एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काजुआ और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि सिटी में अब स्प्रिंग का मौसम आ गया है, जिसकी वजह से लोगों ने हल्के कपड़े पहनना चालू कर दिया है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि काजुआ और उसके दोस्त अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो अपने जेब खर्चों के लिए अब इन्हें कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। बट काजुआ अपने पुराने जॉब यानी उस रेस्टोरेंट में जाता है और अपने रेस्टोरेंट ओनर से पूछता है कि क्या कोई तरीका है अपने से अच्छी लड़की को पटाना, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो भी तो फ्लाइट अटेंडेंट थी, तो आपने उन्हें कैसे पटाया। ओनर जी कहते हैं कि मेरे वाइफ जिस भी फ्लाइट को अटेंड करती थी, मैं भी उसके पीछे उस फ्लाइट में बैठ जाता था, जिसके कारण से आज वो मेरी वाइफ है। अगर तुम्हें किसी को पटाना है या उससे अपना प्यार दिखाना है, तुम्हें पहले उसके पीछे पागल होना पड़ेगा, अपने पैशन को जाना पड़ेगा उसके प्यार के लिए, तभी तुम उस इंसान का दिल जीत पाओगे। तो ये सब बात सुनने के बाद वहां से लीव लेता है और वो मनी मन कहता है कि मिजुरा आई लव यू। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ मिजुरा से एक कैफे में मिलता है और मनी मन सोचता है कि उस वक्त तो मैंने मिजुरा को मोटिवेट करने के लिए बोल दिया था कि मैं तुम्हें हर मंथ मतलब हर वीक तुम्हें एज अ रेंटा गर्लफ्रेंड बाय करूंगा, लेकिन अब तो सच में मेरे जेब खर्च खत्म होते आ रहे हैं। तभी मिजुरा काजुआ को कहते हैं कि सुनो, तुम मुझे हर वीक रेंट पे लोगे तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है और मेरे बाकी क्लाइंट्स भी है जो कि मेरा वेट कर रहे हैं। तो काजुआ को भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है। और वैसे भी मामी ने मिजुरा को काजुआ से दूर रहने के लिए कहा था, जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जहाँ काजुआ रुका से परमिशन मांगता है कि वो उसे मिजुरा के साथ डेट पर जाने दे, जिस पर पहले तो रुका मना करती है, लेकिन जब काजुआ उसे समझाता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है एज ए एक्ट्रेस बनने के लिए, तब रुका मानती है, लेकिन एक शर्त पर कि नेक्स्ट टाइम जब भी काजुआ मिजुरा का प्ले देखने जाए तो वो रुका को यानी उसे भी अपने साथ ले जाए, जिससे कि पब्लिक को भी मालूम पड़ेगा कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद काजुआ मिजुरा से मिलने आता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काजुआ मिजुरा से कहता है कि तुम ये एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे तुम्हारी ये एक्टिंग वाली गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जो रियल रूप है यानी तुम्हारी जो आइडियल पर्सनैलिटी है वो वाली गर्लफ्रेंड चाहिए। जिसको सुनने के बाद मिजुरा थोड़ी शाई होती है और फिर वो एज अ रियल मिजुरा उसके में बिहेव करती है। और फिर टाइम ख़त्म होता है यानी 5 बजते ही दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, लेकिन तभी मिजुरा पलट कर काजुआ से कहती है, क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मेरे साथ एक जगह पे चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ मिजुरा के साथ एक बेसबॉल सेंटर में आता है, जहां पर मिजुरा अक्सर आया करती है जब भी उसका मूड खराब होता है। और बेसबॉल खेलते हुए मिजुरा आय हाय क्या लगती है, एकदम हॉट, इतनी हॉट लगती है कि काजुआ की नज़र उसे हटती नहीं है और उसे अक्सर यहाँ पर लोग देखते हैं, इसलिए वो अपने साथ काजुआ को लेकर आई। काजुआ को लगता है कि फाइनली आज वो डेट पे आया है मिजुरा के साथ, लेकिन तभी मिजुरा उसका डाउट क्लियर करती है और कहती है कि नहीं, बस मुझे लोग बहुत देखते हैं और मेरा जब भी मूड खराब होता है तब मैं आती हूँ, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेके आई हूँ। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार मिजुरा ने काजुआ को कहा था कि हम स्ट्रेंजर हैं, पर अब वो कहती है कि हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं तो आज से हम फेयर एंड स्क्वायर नेबर की तरह रहेंगे। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और मिजुरा काजुआ को लेकर हॉस्पिटल लाती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है। ग्रैंड मदर काजुआ को देख के काफ़ी खुश होती है क्योंकि उन्हें काजुआ से मिलना होता है। जैसे ही मिजुरा बाहर जाती है, उसकी ग्रैंड मदर काजुआ से कहती है कि क्या तुमने मिजुरा का प्ले देखा? काजुआ कहता है हाँ, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये सुनने के बाद मिजुरा की ग्रैंड मदर कहती है कि मिजुरा को उसकी एक्टिंग के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और मिजुरा जितनी स्ट्रांग और बोल्ड दिखती है, हकीकत में उतने है नहीं। एक्चुअली मिजुरा बचपन से ही एक नीडी और लोनली गर्ल थी, लेकिन उसने अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब उसे कोई पहचान नहीं पाता है। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि जब वो ऑफिस से बेचारी लड़की बन जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि उस वक्त तुम उसका साथ देना। और ये सारी बात सुनने के बाद काजुआ मिजुरा के ग्रैंड मदर से कहता है कि मैं मिजुरा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ और मिजुरा अपने अपने अपार्टमेंट के बाहर होते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर एज अ फ्रेंडली नेबर अपने अपने रूम में जाते हैं। तभी काजुआ मिजुरा के बारे में सोच रहा होता है कि
भले ही मैं मुजरा का बॉयफ्रेंड बन ना पाऊँ, लेकिन मैं उसका साथ हमेशा दूंगा। और ये सोचते सोचते वो मुजरा को रेटिंग देता है कि वो ही एक आइडल गर्लफ्रेंड है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये एपिसोड 2 और मेरी एक्सप्लेनेशन, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।